जालोर में एसीबी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जालोर एसीबी ने मांडवला ग्राम पंचायत के वार्ड पंच को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित के खिलाफ जिला परिषद और पुलिस थाने में की गई शिकायत में मदद करवाने की एवज में 11,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिस पर एसीबी ने शनिवार को ट्रैप योजना बनाकर वार्ड पंच भगवाना राम मेघवाल को गिरफ्तार किया है। जोधपुर एसीबी के उप महानिरीक्षक कैलाश चंद बिश्नोई के निर्देशन में जालोर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर राणावत के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। परिवादी हंजाराम चौधरी निवासी मंडला ने एक शिकायत दी थी एसीबी को। उसने एक प्लॉट खरीदा गांव में, जिसके बारे में झूठी शिकायतें मुलजिम भगवानाराम ने थाने में और जिला कलेक्टर कार्यालय में कर रखी है, जिसकी जाँच चल रही है। तो उस जाँच में मदद करने की और ग्राम पंचायत से स्वीकृति और आगे कोई समस्या नहीं हो उसमें मदद करने की एवज में 11,00,000 रुपये की मांग की थी। वेरिफिकेशन करवाया गया, उसकी रिपोर्ट सही पाई गई, 11,00,000 की मांग का वेरिफिकेशन हुआ और आज इसको अग्रिम 1,00,000 रुपए देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल एसीबी की ओर से आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी के घर और अन्य ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि आरोपी के और कितने राज निकल कर सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।